हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र में बिजली घर पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले ट्रांसफार्मर फूट चुका है। ग्रामीणों ने कई बार एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, हम बिजली विभाग बिजली दफ्तर पर आए हुए हैं। हमारी समस्या है कि हमारे गाँव में एक सप्ताह हो गया लगभग लाइट नहीं आ रही है, जिससे बच्चों का बुरा हाल है। गर्मी में बच्चे गर्मी से बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हमें आश्वासन के सिवाय यहाँ से कुछ नहीं दिया जाता। सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हम वहाँ से कर देंगे, वहाँ से करा देंगे, लेकिन हमारा ना तो आज तक ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटवा करके मरम्मत कराने की कोशिश की गई है, ना ही उसको कोई देखने के लिए गया है। हमारा गर्मी से बुरा हाल है, हमारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह की कोई निजात मिलती नजर नहीं आ रही। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वह बिजली घर पर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पैसे दो, अभी लाइन चालू हो जाएगी और अभी ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा। बिजली को लेकर ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। एक हफ्ता हो गया है, बिजली नहीं आ रही है यार यहाँ पर। बताओ क्या करें, गर्मियों में बच्चे भी यार बीमार हैं। बताओ, यहाँ आते हैं बिजली घर पर, कुछ वो नहीं होती, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही। 15 दिन हो गए ट्रांसफार्मर फूके हुए यार, ये बदलने को ही नहीं कह रहे। कई बार तो कंप्लेंट कर दी ना हमने, जय साहब को कई बार कंप्लेंट कर दी, लेकिन वो ही नहीं करवा रहे कुछ काम।